इंसेक्ट्स एंड डिजीज़ मैनेजमेंट इन गार्डन और इवन इन ए क्रॉप फील्ड कैन बी डन बाय यूजिंग एनी नीम बेस्ड एप्लीकेशन और एनी इंसेक्टिसाइड विच हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय एन एक्सपर्ट. सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आइदर इन योर गार्डन और पेस्ट, बट यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल द मैथड विच आई एम शोइंग यू इज नॉट द ट्रू मैथड, इट्स जस्ट अ डेमो. बट एंड वेल डूइंग द मेन एप्लीकेशन यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्प्रेयर्स विच आर अवेलेबल इन मार्केट. कवर योर मास्क प्रॉपरली, यूज ग्लव्स. आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज. सो वैन यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स और बायो इंसेक्टिसाइड और केमिकल इंसेक्टिसाइड, द डोज शुड बी एज रिकमेंडेड फॉर ए पर्टिकुलर प्लांट और अ गार्डन और ए मेन क्रॉप. तो डोज जो है आपको उसको उसी कंसेंट्रेशन से आपको फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना है, यूज़ करना है, उसको डाइल्यूट करना है और प्रॉपर डाइल्यूशन के बाद ही आप उसको यूज़ करें. नहीं तो अदरवाइज इट मे कॉज टॉक्सिसिटी नॉट ऑन द इंसेक्ट बट ऑन द मेन क्रॉप. जो आपकी मेन फसल है या आपका गार्डन में अगर कोई पॉट है उसको वो नुकसान हो सकता है. इसलिए प्रॉपर डोज नेसेसरी. जब आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन शुड कवर ऑल कैनोपी ऑफ अ प्लांट कवर. इसमें जो है कि आपका प्लांट बचना ही चाहिए, पूरे ढंग से उसको यूज़ करें. और स्प्रे जब करना है तो आपको ये देखना है कि वो एक सिंगल स्प्रे होना चाहिए, सिंगल वॉश. मल्टीपल आप बार बार उसी जगह पे आप उसको अप्लाई करते रहेंगे तो उसका भी यूज़ नहीं है. एक सिंगल थॉरो कवरेज होना नेसेसरी होता है. तो जो भी स्प्रिंकलर आप यूज़ कर रहे हैं या स्प्रेयर यूज़ कर रहे हैं उसका नोज़ल को आप चेक करें कि उसमें किसी टाइप का कोई ब्लॉकेज ना हो, कोई डर्ट ना हो और एक स्मूथ स्प्रे आता रहे. एक जैसे जिस टाइप से एक पूरा कोन टाइप का स्प्रे बन रहा हो उस टाइप का हो आपको वो अच्छे से उसको ये ध्यान देना है कि पूरा कवर जो है वो नेसेसरी होता है किसी प्लांट के लिए. तभी जाके जो आपने यूज़ किया है स्प्रे करने के लिए, इवन आप जब न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं तो भी वो इस तरीके से कवर होना बहुत नेसेसरी होता है. सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई एनी फोलियर फर्टिलाइज़र और बायो इंसेक्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड और एनी सच ग्रोथ हॉर्मोन्स ऑल्सो विच आर नॉर्मली नोन एज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स. तो उसको भी जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इस टाइम इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो है माइन्यूट इंसेक्ट्स आ रखे हैं और ये प्लांट्स में अगर कोई ग्रोइंग बर्ड वगैरह होता है तो उनको वो डैमेज कर देते हैं बाय सकिंग देयर सेल्स ऐप. तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप टाइम पे अपने गार्डन को मॉनिटर करते रहें और कोई कीड़ा वगैरह है तो उसको टाइमली मैनेजमेंट या कंट्रोल जो है आइदर बाय केमिकल और बायोकेमिकल इज़ गुड. सो दिस